नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर 11 बजे से एक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का पूर्णतः विरोध किया गया। धरने का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ महामंत्री पंडित अखिलेश शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से मध्यम वर्गीय व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कुछ बड़े व्यापारी घरानों के इशारों पर ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार फल फूल रहा है। सरकार को 7 करोड़ व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यापारी सरकार के हर मोर्चे पर मदद करता रहा है। कहा कि आर्थिक संकट आता है वहाँ व्यापारी वर्ग ही सबसे आगे आता है। अजय मित्तल ने भी व्यापारियों को संगठित होकर अपने हक की आवाज उठाने की बात कही। राधा शरण वाष्णे, संतोष जैन, अमित वाष्णे आदि सैकड़ों व्यापारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया। रिपोर्ट ऋषि पंडित। व्यापारी लोग एकत्रित हुए, क्या कह रहे हैं? आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में आज जो है एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन सौंपा गया है। व्यापारियों के उत्पीड़न से संबंधित जो है सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा हमारे व्यापारियों को जो मध्यम वर्ग व्यापारी है उनको रसातल में भेजने का काम किया जा रहा है। केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों को जो है लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये जो है कुछ अधिकारी लॉबी के द्वारा इस तरह का जो कृत्य हुआ है, इसका पूरे व्यापारियों ने आज पुरजोर विरोध किया है। और आज फिरोजाबाद के प्रमुख व्यापारी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के हमारे सभी पदाधिकारियों ने आज जो है ये 11 बजे से लेके 1 बजे तक धरना दिया। इसके बाद ज्ञापन सौंपने की जब बारी आई तो हम लोगों ने CUG पर नंबर पर कई बार जिलाधिकारी महोदय को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन एक कोई जो है वो है जयचंद जी उठाते हैं और पूरी बदतमीजी से बात करते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि डीएम जब ज्ञापन आज पूरे भारत में हो रहा है, अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो जयचंद जी ये कह रहे हैं कि कल आना, कल बात होगी तुमसे। मैंने ये कहा कि आप जो है जिलाधिकारी महोदय को कि जो है केवल कम से कम खबर पहुंचा दो कि यहाँ पे व्यापारी, बोले बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ये 10-10 साल से जमे हुए, 15-15 साल से जमे हुए यहाँ पर जो अर्दली और चपरासी हैं, ये जो है दलाली का एक प्रमुख कारण बने हुए हैं। डीएम साहब के नाम पर ये दलाली करते हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करवाएंगे कि जो आज व्यापारियों की बात सुनने के लिए जिलाधिकारी महोदय तक मैसेज नहीं कर सकते हैं। कायदे से हर CUG नंबर का जवाब जो है जिलाधिकारी महोदय को देना चाहिए, लेकिन उनके जो अधीनस्थ हैं उन्होंने आज पूरी तरह से जिले की लुटिया डुबा रखी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के पर्सनली ये शिकायत करेंगे, और अगर सुनवाई नहीं होगी तो लखनऊ जो है ट्वीट करके भी हम जो है पूरी कार्रवाई करवाने के लिए मांग करेंगे। और जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। व्यापारी एकता।